हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, अगर आप भगवान राम जी को ड्रॉ करने जा रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में मैं बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक तरीके से सिखाऊंगी कैसे आउटलाइन ड्राइंग करना है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट। तो जो भी इंटरेस्टेड हो सीखने के लिए गाइस, ये वीडियो पूरी देखना। एंड ये पार्ट वन है जिसमें आप आउटलाइन बनाना सीखोगे। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको कलर करना सिखाऊंगी, वो भी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। एंड यहाँ मैंने लाइक टारगेट रखा है 100, जिसको आप कंप्लीट कर दोगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट पे अपलोड कर दूंगी। एंड जो भी चैनल पे न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो विद नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँ आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले एंड आप देखो एंड सीख सको। एंड हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि और भी जो आर्टिस्ट हैं वो भी ड्रॉ कर सके। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। सो गाइज, यहाँ रेफरेंस इमेज पे ग्रिड क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ एक ऐप यूज़ करने वाले हैं। तो सिंपली प्ले स्टोर पर सर्च कर लेंगे ड्राइंग ग्रिड फॉर आर्टिस्ट एंड इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड कर लेने के बाद हमको जो रेफरेंस इमेज है उसको सेलेक्ट कर लेना है एंड जितना हमको चाहिए उसको क्रॉप कर लेना है। एंड इसके बाद रेडियल एंड डायगोनल को हम लोग रिमूव कर लेंगे, क्योंकि यहाँ सिंपल सा हमें ग्रिड चाहिए। एंड अभी साइज़ ऑफ वन सेल को 15 mm से 20 mm कर लेंगे। तो ड्राइंग शीट पे जो चारों साइड है ना, उस पर हमें 2-2 सेंटीमीटर छोड़कर मार्क करना पड़ेगा। बस अब हो गया, काफ़ी सिंपल है यहाँ पे करना। बस आपको यहाँ पे 2 का टेबल पढ़ना है एंड सिंपली यहाँ पे मार्क करते जाना है, लाइक 2, 4, 6, 8 ऐसे करते करते 20 तक यहाँ पे कर लेना है ये साइड एंड इसका जो अपोजिट साइड है वो। एंड गाइस, यहाँ लास्ट में 1 सेमी रह जाएगा तो उसको रहने देना है। एंड इसी तरीके से सेम ऑन अदर साइड भी कर देना है। सो गाइज, यहाँ पे 2 साइड हो गया है, यहाँ मैंने 2 से 20 तक मार्क कर लिया है। एंड इसी तरीके से हम लोग जो 2 और साइड बचा है उस पर कर लेंगे। बट इन दोनों साइड पे हमें 2 से स्टार्ट करना है एंड 28 पे ख़त्म करना है, यानी कि 2 का टेबल पढ़ते जाओ एंड 28 पे ख़त्म कर दो, क्योंकि ये साइड थोड़ा सा लंबा होता है एज़ कम्पेयर टू दूसरा वाला साइड से। तो इसको भी कर लेना है उसी तरीके से एंड बिल्कुल ये ईजी है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको भी ये समझ में आ रहा होगा। एंड बस हो गया, एंड बस इसको सिंपली हमको मैच कर देना है स्केल की हेल्प से। एंड अभी आपके पास अगर ये लंबा वाला स्केल होगा तो आप काफ़ी इजी तरीके से मार्क कर पाओगे एंड इसमें कोई कंफ्यूजन भी आपको नहीं होगा। तो आई होप आपको अभी तक सारा स्टेप समझ में आ रहा होगा। एंड गाइज, यहाँ पे मैंने एक तरफ का कर लिया है एंड अभी मैं दूसरी साइड से वाला करने वाली हूँ। तो सिंपली ना, जो एंड पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको अच्छे तरीके से स्केल की हेल्प से मैच कर लेना है। तो यहाँ पे फाइनल यहाँ पे कंप्लीट हो गया है एंड अभी ये बस लास्ट चीज बचा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, यहाँ रेफरेंस इमेज पे आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर वाले साइड पे या नीचे वाले साइड पे नंबर मेंशन है 1, 2, 3 करके। तो बेसिकली ये लेवल होता है जिसके हेल्प से हमें फाइंड करने में हेल्प मिलता है कि कौन से बॉक्स में हमें कौन सा पार्ट ड्रॉ करना है, कौन सा फीचर ड्रॉ करना है। तो सिंपली हमें भी यही जो नंबर्स हैं मेंशन, हमको भी अपना ड्राइंग पेपर पे मेंशन कर लेना है। तो यहाँ पे 1, 2, 3 मेंशन कर लेंगे ऊपर वाले साइड में। ऊपर की साइड 1 से 10 तक करना है एंड नीचे वाले साइड पर 1 से 15 तक करना है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस 15 हैं एंड ऊपर वाले साइड पर 10 हैं। इसी तरीके से यहाँ पर फाइनल हमने कर लिया है सब कुछ। तो गाइस, अभी मैं आपको एग्जाम्पल देकर बता देती हूँ से आउटलाइन बनाना है। तो जैसे आपको पता है कि मैं आइज से स्टार्ट करती हूँ, तो अभी हम लोग फाइंड कर लेंगे कौन से बॉक्स में बनाना है। तो आप ये आइज वाला बॉक्स देख सकते हो, ग्रिड देख सकते हो। तो ये नीचे की साइड से ये 7 पे है एंड ये ऊपर से है 5 पे। तो इसे सेम चीज़ को ना हमको फाइंड कर लेना है अपने ड्राइंग शीट पे भी। तो गाइस, सिंपली यहाँ पे आप काउंट कर लो कि 5 और 7 कहाँ है एंड जहाँ पे ये मीट हो रहा है, एंड हो रहा है, वहीं पे हमें बना देना है। तो ये हमारा एग्जैक्ट लोकेशन हो गया कि कहाँ पे हमें आई को बनाना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपको एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने में कि कहाँ हमें बनाना है। तो इस तरीके से आप काफ़ी ईजिली एंड परफेक्ट आउटलाइन बना पाओगे। एंड अभी एक लास्ट चीज़ रह गई है, आपको ना क्या करना है कि जो रेफरेंस इमेज का ग्रेड है एंड जो ड्राइंग पेपर का ग्रेड है, उन दोनों को इक्वल कर लेना है, ताकि आप बिल्कुल परफेक्ट आउटलाइन बना सको। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बस अब हमको अपना आउटलाइन जल्दी से बना लेना है रेफरेंस इमेज को अच्छे से ऑब्जर्व करते हुए। आप सिंपली किसी एक पॉइंट से स्टार्ट कर लो, जैसे मैं आई से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर लो एंड
एक एक बॉक्स करते जाओ, एक बॉक्स कंप्लीट करो देन दूसरे बॉक्स में एंटर करो, इससे आप काफ़ी इजीली बना पाओगे एंड काफ़ी अच्छा बनेगा। तो और कुछ इसमें है नहीं, बस यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है रेफरेंस इमेज को एंड काफ़ी इजीली आप बना पाओगे। काफ़ी इजी होता है ग्रीड मेथड से बनाना आउटलाइन एंड काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट बनता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी सिंपल एंड ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है स्टेप बाय स्टेप एंड इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं था। तो गाइज ये पार्ट वन था जिसमें मैंने आपको आउटलाइन बनाना सिखाया। तो जो भी इंटरेस्टेड हो आप रेफरेंस इमेज डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में से एंड आप कोई भी रेफरेंस इमेज मतलब कुछ भी आप बना सकते हो ग्रीड मेथड का यूज़ करके, काफ़ी इजीली बन जाता है। एंड गाइज अभी इसमें कुछ है नहीं बताने को, बस आपको यहाँ पर रेफरेंस इमेज ऑब्जर्व करना पड़ेगा जो हमने ग्रीड बनाया है रेफरेंस इमेज का एंड आपको एक एक ग्रिड को देखना पड़ेगा कि कौन से ग्रिड में कौन सा पार्ट आ रहा है, उसी को आपको बनाना पड़ेगा ड्राइंग शीट पे। तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व करना पड़ेगा एंड आप देखो कि मैं किस तरीके से कौन से बॉक्स में क्या बना रही हूँ एंड समझने की कोशिश करो। एंड मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ, जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊँगी कैसे भगवान राम जी को कलर करना है स्टेप बाय स्टेप। मैं डोम्स कलर पेंसिल से हो सकता है बताऊँ आपको कलर करना, तो आप उस वीडियो का वेट करना एंड वो वीडियो तभी आएगा जब आप इस वीडियो पे लाइक टारगेट कंप्लीट कर दोगे 100 लाइक्स का, तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी पार्ट टू। एंड जो भी चैनल पे न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना विद नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले एंड आप भी वीडियो से सीख सको एंड ड्रॉ कर सको एंड हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि और भी ड्रॉ कर सके। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।